तो Realme 3i पे दोस्तों A24 का अपडेट आ चुका है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको डार्क मोड मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर मिलेगा, तो इसको आप अपडेट कर ले। आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ पर है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। ये सिर्फ 226 MB का है दोस्तों, तो आप अपडेट कर ले, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और फिर अपडेट नाउ पर क्लिक कर दे अपडेट होने के बाद, और ये वेरीफाई होगा फिर ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद, सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा। करीब करीब 5 मिनट मुझे लगा, तो मैं स्किप करके दिखाऊंगा कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है दोस्तों। तो अब कहीं मत जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या फीचर्स आया, क्या क्या नए नए चीज़ें हैं, बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं दोस्तों। और एक बात कि मेरा पुराने वाला फ़ोन का जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए आपको क्वालिटी थोड़ा कम मिलेगा। तो चलिए हम सेटिंग पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। जो सबसे पहला बेहतरीन फीचर मुझे लगा वो था इसका डार्क मोड। जी हाँ, आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा रियलमी लैब का एक ऑप्शन। तो जैसे आप रियलमी लैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ का चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से फीचर्स होगा। और एक बात, क्या ये व्हाट्सएप को डार्क मोड में इनेबल करेगा, क्या फेसबुक को डार्क मोड में इनेबल करेगा, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब से सेटिंग तो पूरा डार्क मोड हो गया, पूरा का पूरा काला हो गया। तो चलिए हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप देखेंगे कि क्या वो डार्क मोड में आया। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए व्हाट्सएप हम ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों व्हाट्सएप भी पूरा काला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप रात में यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी, पूरा डार्क मोड आ चुका है। तो चलिए हम इस फेसबुक पर क्लिक करके देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फेसबुक की पूरा डार्क मोड आ चुका है। तो काफ़ी सारे ऐप इस पर सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फेसबुक ये पूरा डार्क मोड पर आ गया है। तो बहुत अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे, और भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो चलिए हम इस डार्क मोड को ऑफ़ करते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या क्या नया फीचर्स आए। अब जैसे नीचे आपको मिल जाएगा रियलमी लैब का ऑप्शन, और आप चाहे तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बीटा में है अभी, तो थर्ड पार्टी ऐप्स भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऑफ़ करते हैं और आगे बताते हैं आपको क्या क्या नया फीचर्स मिलेगा। दूसरा जो दोस्तों बहुत ही खास फीचर है वो है डिजिटल वेलबिंग एंड पैन कंट्रोल। इससे आपके फ़ोन में आप कितनी देर फेसबुक यूज़ करते हैं और भी डेटा जो आप यूज़ करते हैं वो आपको पूरा शो करेगा, कितनी बार आपका फ़ोन अनलॉक हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, 35 टाइम्स मेरा फ़ोन अनलॉक हुआ, 54 टाइम्स नोटिफिकेशन आया, और कितनी देर गूगल यूज़ करा मैंने और नए और ऐप्स यूज़ करो। और यहाँ पर एक पैरेंटल कंट्रोल भी है, अगर आप बच्चे के फ़ोन देते हैं तो वहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे फेसबुक मैंने पूरा इतना इस्तेमाल किया है, कॉन्टैक्ट्स, गूगल, बहुत ही एक हेल्पफुल फीचर है दोस्तों। और भी बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, फीचर्स में यहाँ पर पूरा लिस्ट है दोस्तों। और एक जो खास बात कि आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर आपको एक सिक्योरिटी लॉक मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर ऑप्शन पहले नहीं था, तो आप इस पर टैप करके आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं इमीडिएटली लॉक। जी हाँ, इमीडिएटली लॉक कर सकते हैं आप, जो सिर्फ आपको पासवर्ड देने पर ही खुलेगा, कोई फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। बहुत सारे फीचर्स आए दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशन पे एक और फीचर है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन अगर आपको जो पहले आप स्वाइप करते थे लेफ्ट तो नोटिफिकेशन जाता नहीं है, लेकिन अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर कोई भी नया मैसेज आता है तो आप स्वाइप करेंगे तो चले जाएगा। आप पूरा पढ़ सकते हैं अपने फ़ोन में जब आप इसको अपडेट करेंगे। रियलमी 3i पे आ चुका है अपडेट, आप जाइए सेटिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर अपडेट पे आप कर लीजिए। और हाँ, एक और बात, 9 MB का सिक्योरिटी पैच आ चुका है दोस्तों। और ख़ास बात कि ये अभी भी एंड्रॉयड 9 Pie पर ही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एंड्रॉयड 10 पर है। जी हाँ, ये एंड्रॉयड 9 Pie पर ही अवेलेबल है। तो एक और फीचर है दोस्तों, एक विडगेट्स आया है जो आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए होम स्क्रीन पर इस तरह से टैप और होल्ड करके रखेंगे तो आप देख सकते हो वेट कैसे, यहाँ पर आपको डेट एंड वेदर का मिल जाएगा। और भी बहुत से फीचर्स है दोस्तों, आप खुद चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों को पूरा वीडियो देखने के लिए।